प्राइम डिबेट का वक्त हो चुका है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। आज का मुद्दा प्राइम डिबेट का, नतीजों की बारी, बड़े प्रहार की तैयारी, क्योंकि आखिरी चरण का मतदान शनिवार को होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। इधर प्रदेश में भजनलाल सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सीएम ने खुद बैठकें ली, वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और बीजेपी नेताओं के बीच बयानों का संग्राम भी देखने को मिला है। सीपी जोशी, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि करप्शन को लेकर कांग्रेस को वो घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जोशी ने कहा, डोटासरा जब शिक्षा मंत्री थे तो गहलोत के सामने शिक्षकों ने तबादलों में भ्रष्टाचार में खुलकर आरोप लगाए थे। गहलोत राज में बिना पैसे तबादले नहीं होते थे। जोशी ने कहा, बीजेपी सरकार प्रदेश को भय और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की दिशा में काम कर रही है। वहीं डोटासरा ने कहा कि बीजेपी सरकार अलर्ट नहीं, ऑटो मोड पर है। चर्चा इसी मुद्दे पर करते हैं, क्या नतीजों के बाद प्रदेश में करप्शन समेत कई मुद्दों पर कड़ा प्रहार होगा, जिससे कांग्रेस की मुश्किल बढ़ सकती है। पहले छोटी सी रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में बीजेपी कांग्रेस में बयानों का संग्राम। बीजेपी ने कहा, प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का काम जारी। ये सरकार भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त राजस्थान की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। इनको तकलीफ इस बात की हो रही है कि पेपर लीक करने वाले लोग कैसे जेल के अंदर जा रहे हैं। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस की गलत नीतियों का नतीजा भुगत रही है जनता। किस प्रकार से 5 वर्ष तक जनता को गुमराह किया और उसका परिणाम आज राजस्थान भुगत रहा है। पीसीसी चीफ बोले, भाजपा सरकार अलर्ट नहीं, ऑटो मोड पर है। नतीजों की बारी, बड़े प्रहार की तैयारी। 4 जून को नतीजे आएंगे और बड़े प्रहार एक दूसरे पर अभी से ही किए जाने लगे हैं। इस प्रहार का सामना कैसे होगा, किसका वार दमदार होगा, चर्चा इसी पर करते हैं। 3 खास मेहमानों को आमंत्रित करते हैं, परिचय कराते हैं। क्रिकेट के पंकज मीणा जी बीजेपी से हैं, बहुत बहुत स्वागत पंकज जी आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी पीसीसी महासचिव, आपका स्वागत है। आशुतोष रावत जी वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आशुतोष जी, 19 और 26 अप्रैल 2 चरणों में राजस्थान में जब चुनाव हुए तो चुनाव प्रचार आरोप प्रत्यारोप चरम पर था। 4 जून को नतीजे आने वाले हैं। अब पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम नेता, मंत्री, पूर्व मंत्रियों के बीच बयानों का दौर ट्विटर से लेकर अपने वक्तव्यों में नजर आ रहा है, उसको देखकर क्या कहा जाए, क्या तैयारी हो रही है 4 जून के लिए? देखिए रविंद्र जी, 4 जून को लेकर के यह दोनों राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, वह एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहते हैं। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली तो कांग्रेस यह दिखाना चाहती है कि हम एक मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हैं, और अगर कांग्रेस कुछ सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी की सीटों पर कर पाती है तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग यह बयानबाजी कर यह जाहिर करना चाहते हैं कि हमने सरकार की अभी शुरुआत की है, हथियार नहीं डाले हैं, अभी हमारे पास एक लंबा समय बाकी है। लेकिन 4 जून से पहले इस तरह के बयान हमको सुनने के लिए मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि यह 4 जून के बाद भी यह हमले और ज्यादा तेज होंगे। जिस तरह के हमको परिणामों की उम्मीद राजस्थान के अंदर है कि राजस्थान में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम जिस तरीके के आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, अगर उस तरह की संभावनाएं होती हैं, अगर राजस्थान में उस तरह के परिणाम आते हैं, तो मुझे लगता है कि यह लड़ाई अभी अगले 4.5 साल हमको और देखने के लिए मिलेगी। और रविंद्र जी, सबसे बड़ी चीज यहां याद रखने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां जरूर है, लेकिन कांग्रेस भी एक मजबूत विपक्ष के तौर पर राज्य में उपस्थित है। 70 सीटें कोई छोटी नहीं होती हैं, एक मजबूत विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के साथ में के सामने है, तो इसलिए इस तरह की बयानबाजियां 4 जून तक तो हमको निश्चित तौर पर और कई बड़े हमले देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यह लड़ाई अगले 4.5 साल तक मुझे लगता है कि इसी तरह राजस्थान में जारी रहेगी। रविंद्र जी, 4 जून के संभावित नतीजों को लेकर जैसे आपने कहा कि हर कोई अपने तरीके से आकलन कर रहा है, बीजेपी कह रही है कि एक बार फिर से 25-0 की हैट्रिक हम मनाने
आने वाले हैं, कांग्रेस का यह दावा है। और परसों ही जब हम चर्चा कर रहे थे, स्वर्णिम जी ने खुद कहा कि बीजेपी से ज्यादा सीटें लोकसभा में हम लेकर आने वाले हैं। कांग्रेस के दावे को अगर माना जाए और बीजेपी के दावे को भी अगर समझा जाए, तो फिर क्या कुछ रणनीति दोनों की ही रह सकती है? एक संक्षेप में आपसे इस पर भी टिप्पणी चाहूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से है इलेक्शन कैंपेन उन्होंने शुरू किया, चुनाव की घोषणा हुई, उस समय से एक ही विजन लेकर के चल रही है कि हमको 25 की 25 सीटें राजस्थान में जीतनी है, हैट्रिक बनानी है। वहीं कांग्रेस शुरुआत में हमको कुछ कमजोर दिखाई दे रही थी, ऐसा लग नहीं पा रहा था कि बहुत मजबूत मुकाबला लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी। मैं खासतौर पर यूज करना चाहूंगा कि कांग्रेस को लग रहा था कि शायद वो नरेंद्र मोदी का जो फेम है उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए हमको शुरुआत में वो इस मुकाबले में हमको कमजोर दिखाई दी। लेकिन जैसे जैसे यह चुनाव परवान चढ़ा, कांग्रेस को लगा कि हाँ, वो वाकई इस चुनाव को लड़ सकते हैं, और उन्होंने एक मजबूती के साथ में राजस्थान में चुनाव लड़ा। परिणाम चाहे जो आए, परिणामों की मैं अभी वो टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हमको यहां राजस्थान के अंदर कांग्रेस एक मजबूती के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आई। और मुझे लगता है कि शायद 4 जून के बाद में कांग्रेस के अंदर भी एक बड़ी उठापटक हो सकती है चुनाव के परिणामों के बाद। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, भयमुक्त भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने के लिए कटिबद्ध प्रतिबद्ध हैं और आगे इसी दिशा में काम करेगी राजस्थान सरकार। 4 जून को केंद्र में किसकी सरकार ना हमें मालूम ना आपको मालूम, वो तो ईवीएम ही बताएगी, लेकिन प्रदेश में तो बीजेपी की सरकार है और भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे आगे, जो कि कांग्रेस के वक्त में नहीं थी। देखिए रविंद्र जी, कांग्रेस के वक्त में तो जब भ्रष्टाचारियों पर बड़े बड़े प्रहार हुए थे, कलेक्टर से लेकर के एसपी तक जो है जेल के सिक्कों के पीछे हमने भेजे, हाँ वो अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनको रीइंस्टेट करके वापस पद पर लाया गया है, ये अलग बात है। अभी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही कैबिनेट मंत्री है किरोड़ी मीणा जी, उन्होंने 1,100 कुछ करोड़ के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए इसी सरकार पर, और उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से देते नहीं बनता। जहां तक भय की बात आप करते हैं, तो आज तो भयातुर पूरा प्रदेश है साहब। आज राजस्थान की राजधानी में इतने किरोड़ी लाल मीणा को आप कितनी गंभीरता से लेते थे जब वो मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठते थे, अब आपको बड़े वो लग रहे हैं अच्छे। देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी का खुद कैबिनेट मिनिस्टर आरोप लगा रहा है और वो कागज पेश कर रहा है, तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को ही जवाब देना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनके कैबिनेट मंत्री है। मंत्री का मतलब होता है कि वो सरकार है, सरकार पर सरकार आरोप लगा रही है, और दूसरी बात कोई कार्रवाई होती हमें नजर नहीं आ रही। लेकिन एक बात तय है, अशोक चांदना भी, फिर मैं रोकूंगा टोकूंगा आपको, अशोक चांदना भी दिया करते थे धरना, वो भी कहते थे सरकार के बारे में। सर अशोक चांदना जी कोई प्रशासनिक कारणों से उन्होंने कभी कही, लेकिन आरोप कभी नहीं लगाए, या तो सीधे सीधे आरोप लगे। खैर इस बात पर नहीं जाते, मत मानिए किरोड़ी मीणा जी को, अगर कोई वो मानते हैं कि जनाधारवीन है या उनकी बात दमदार नहीं होती, तो फिर कैबिनेट मिनिस्टर किस बात के, मैं तो ये भी बात कहूंगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं, लेकिन आपने सुना होगा उन्होंने कहा है कि अगर जो जिम्मेदारी मुझे जिन सीटों की मिली मैं अगर नहीं जिता पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। वो तो जेब में आजकल अपना इस्तीफा लेकर घूम रहे हैं। देखिए, अब इस्तीफा का वो तो जाने, बीजेपी जाने रविंद्र जी, लेकिन पूरी देश, प्रदेश की राजधानी समेत पूरे प्रदेश भर में जो अपराध घटित हो रहे हैं, जिस गति से, जिस तरीके के अपराध हैं, पूरा प्रदेश भयातुर है। उसको भयमुक्त करने के लिए कम से कम प्रदेश अध्यक्ष महोदय का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय जो गृह मंत्री भी हैं, उनको इस प्रदेश में रहना होगा, प्रदेश में रह करके कम से कम जनता के लिए काम करना होगा। मैंने परसों हेडलाइन पढ़ी थी कि 55 दिन से बाहर हैं, 100 करीब अलग अलग मीटिंग्स करके आए हैं, तो प्रदेश के लिए भी मीटिंग कर लेते, जो आज प्रदेश की जनता पानी, इस भीषण गर्मी में पानी, बिजली और उचित चिकित्सा व्यवस्था और कानून व्यवस्था से जूझ रही है, उससे परेशान है, उसका अगर उन पर ध्यान देना चाहिए। तो हम विपक्ष में हैं, बिल्कुल मुद्दे उठाएंगे, जनता के मुद्दे उठाएंगे, जनता के लिए काम करेंगे, और जो जनता की तकलीफें हैं कानून व्यवस्था को लेकर के, चिकित्सा व्यवस्था, वो चिकित्सा व्यवस्था जहां जान बचाने के लिए आदमी जाता है और पता पड़ता है बच्चे लू लग करके हॉस्पिटल में मर गए, या गलत खून से कोई व्यक्ति, हमारा एक नौजवान मारा गया, इस तरह की घटनाएं हमने देखी है, ये घटनाएं शर्मनाक है, इस पर संज्ञान लेना चाहिए। नहीं लेते हैं जब, तो फिर यह मुद्दा हम उठाएंगे। जब कानून व्यवस्था पर डकैती हो रही है, बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं, तो हम उसका मुद्दा उठाएंगे, और जब बिजली नहीं मिल रही इस भीषण गर्मी में, पानी नहीं मिल रहा लोगों को, तो उसका मुद्दा उठाएंगे। और हां, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी डरी हुई बैकफुट पर है,
कुछ भी बोल लो, इन्हीं प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में बहुत अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हरा रही है। देखो, इस बात की तो गारंटी ना आप दे सकते ना हम दे सकते कि डोटासरा साहब अगले 5 साल तक प्रदेश अध्यक्ष हैं कि नहीं है। आप चाहते होंगे भला, और हमारी भी तरफ से शुभकामनाएं ले लीजिएगा उनके लिए। मीणा साहब, 55 दिन से मुख्यमंत्री बाहर, ये मीटिंग बैठकें अभी जो कर रहे हैं, ये पहले भी कर लेते बीच में आकर, ये साफ तौर पर स्वर्णिम जी का कहना, और जो भयमुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त की आप बात कर रहे हैं वो कब होगा? क्योंकि लगातार आपके इस कार्यकाल में एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं और हर विभाग में। बिल्कुल रविंद्र जी, मैं एक एक करके आपकी सारी बातों को, स्वर्णिम जी की सारी बातों को समेटने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी किस मुंह से भय भ्रष्टाचार के ऊपर, महिला बलात्कार के ऊपर बात करती है, जब इनकी सरकार के समय महिला बलात्कार के अंदर राजस्थान नंबर वन हुआ करता था, भ्रष्टाचार में नंबर वन हुआ करता था, अपराध के अंदर नंबर वन हुआ करता था, तब इन्होंने सबने आंखें मूंद रखी थी। आज इनको अचानक से ये सारी चीजें कैसे दिखने लगी, कैसे याद आने लगी, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। जो सरकार, जो राजनीतिक दल 5 साल तक इस बात पर, इन सब चीजों पर आंखें मूंदे बैठी रही, उसको मैं समझता हूँ किसी भी तरीके से बोलने का अधिकार नहीं है, और ये अधिकार तो जनता ने ही छीन लिया इनको केवल मात्र 70 सीटें देके। दूसरी बात है, आप ये कह रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी 55 दिन से बाहर हैं। मैं समझता हूं कि पिछले 55 दिन में या पिछले अगर 6 महीने के हम देखें तो शायद ही कोई 1 या 2 रातें हुई होंगी माननीय मुख्यमंत्री जी जयपुर से बाहर सोए हों। वो जितना राजनीतिक पार्टी के मुखिया होने के नाते जितना चुनाव में सक्रिय थे, उतना ही वो सरकार में सक्रिय थे। वो रोजाना जाते थे, कहीं चुनाव की सभा करके आते थे, वो उड़ीसा भी जाते थे, आंध्र प्रदेश भी जाते थे, पंजाब भी जाते थे, परंतु रोजाना जयपुर आके फिर अपना प्रशासनिक काम सब पूरे जिम्मेदारी के साथ निभाते थे। और इसी का परिणाम है कि आज हम एक अच्छा गुड गवर्नेंस देने की स्थिति में है। जहां तक बात है बिजली पानी की, तो मैं रविंद्र जी आपके माध्यम से पूरी राजस्थान की जनता को बताना भी चाहूंगा और साथ में स्वर्णिम जी से प्रश्न भी करना चाहूंगा कि क्या 6 महीने के अंदर हमने राजस्थान की जो प्रोजेक्ट पिछले 10 से 15 सालों से आपने ठंडे बस्ते में डाल रखे थे, वो चाहे गंगा के यमुना जल समझौता हो, चाहे ERCP हो, क्या हमने 6 महीने में करके नहीं दिखाया? और क्या हमने ये अश्योर नहीं किया कि वो चाहे यमुना जल समझौते का पानी हो, चाहे ERCP का पानी हो, वो अगले 1 साल में राजस्थान की जनता को मिलने लगेगा? और यमुना जल समझौता और ERCP के माध्यम से राजस्थान की 70% जनता को पेयजल की उपलब्धता होने लगेगी। दूसरी बात, एक तरह आप क्या नाम है बिजली को लेके होल्ला कर रहे हैं। एक तरफ तो क्या अशोक गहलोत जी की सरकार थी जिन्होंने पिछले साल बिजली की आपूर्ति करने के लिए, हालांकि इनसे हुई नहीं, उसके लिए इन्होंने अगले साल के ऊपर डाल दिया कि साहब ये बिजली जो आज ले रहे हैं ये हम अगले साल चुकाएंगे। एक तरफ तो ऐसी गैर जिम्मेदार सरकार थी, और एक तरफ माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व की सरकार है जिसने केवल 3 महीने के अंदर ये अपना कमिटमेंट साबित करके दिखाया। उन्होंने 2,32,000 करोड़ के MOU करके दिखाए कि हम भविष्य का जगह देखते हैं, हम राजस्थान के भविष्य को चमकाना चाहते हैं। उस 2,32,000 करोड़ के माध्यम से न केवल राज्य सरकार की तीनों जो वितरण कंपनियां हैं उनका पावर का परचेज करने की पावर बढ़ गई, साथ में उन 2,32,000 करोड़ में से 1,50,000 करोड़ रुपया हम पावर जनरेशन के ऊपर खर्च करेंगे। ये बात ठीक है कि एकदम से लोड आने के कारण से आज राजस्थान में कभी कभार कोई शटडाउन हो जाता होगा, मुश्किल से 5 मिनट का किसी जगह हो जाता होगा, परंतु आने वाला भविष्य आपके घर की बिजली का होता होगा। आपके घर की लाइट जाती होगी 5 मिनट के लिए, और अच्छी बात है, हम तो ये उम्मीद करते हैं 1 भी मिनट के लिए ना जाए, लेकिन बाकी प्रदेश रविंद्र जी पूरा रहता है। कहना बड़ा आसान है, मैं कहना बड़ा आसान है, कहना आपके लिए आसान है, करूंगा मैं आपके लिए आसान है। मैं आपको, आपने सवाल स्वर्णिम जी से पूछा, हमारी कंप्लेंट रजिस्टर लाके दिखा सकता हूँ, और चाहे तो बिजली का स्वर्णिम जी से आपने सवाल पूछा, स्वर्णिम जी 3 महीने के अंदर पानी को लेकर समझौते कर दिए, अगले साल प्रदेश की जनता को प्यासा नहीं रहना पड़ेगा, इस साल तो चलिए ठीक है थोड़ी बहुत जो दिक्कत परेशानी है, और बिजली आपने पहले खपत कर ली, आगे कहा कि हम गर्मियों में जो है दूसरे स्टेट को सप्लाई करेंगे, ये भी आपकी यानी कांग्रेस सरकार के मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। देखिए रविंद्र जी, जब भी कोई सरकार आती है एक पूरे साल भर का प्लान बनाती है, कंटिंजेंसी प्लान बनता है। कंटिंजेंसी प्लान ये होता है कि जब आपदा आएगी तो उसका सामना कैसे किया जाएगा। हाँ, अगर हमने किसानों के लिए बिजली उपलब्ध कराई तो ये हुआ, क्योंकि हमारे कार्यकाल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि बिजली के अभाव में कोई किसी किसान को उसकी फसल के लिए जो है बिजली की कमी रही हो, या कि लोगों को कमी रही हो, किसी उद्योग धंधे को कमी रही हो। लेकिन इन्होंने 4 महीने पहले जो कंटिंजेंसी प्लान बनना चाहिए था कि इस आपदा में, जिस भीषण गर्मी में, कि आपको बिजली की आवश्यकता
आवश्यकता पड़ेगी उसकी पूर्ति करने के लिए। आज प्यास लगने पर कुआं खोद रहे हैं तो ये ऐसे नहीं चलता। हाँ, ये सरकार चल सही कह रहे हैं स्वर्णिम जी, मैं आशुतोष जी से जवाब लेता हूं इसका। एक चीज और मैं आपको, हाँ बोलिए 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 आप। एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जी बिल्कुल, हमने जब जब पानी की समस्या हुई हमने अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किए और आपदा राहत के तहत सरकार के खर्चे पर सरकार ने टैंकरों से पानी पहुंचाया। आज जनता मीलों चल करके पानी लाने के लिए मजबूर है और इसी मुद्दे को जब हम उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के जो आशुतोष जी बिजली का मुद्दा यहां पर कहा, मुझे लग रहा है वाकई में समझदारी दिखाई थी तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने। चुनाव से पहले ये सुनिश्चित कर लिया कि चुनाव के वक्त में कोई पावर कट ना हो, भले ही अगली बार हमारी सरकार आए या ना आए लेकिन वो बोझा अगली सरकार पर डाल दो। अभी अपनी बिजली की आपूर्ति पूरी कर लो, बिजली की कटौती ना हो, बिजली को फ्री कर दो, लेकिन आगे जिस वो होना होगा वो होगा। लेकिन बीजेपी की सरकार ये समझ नहीं पाई क्या? देखिए रविंद्र जी, इस मामले को अगर राजनीतिक मामले से अलग हटकर के आप देखें तो राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में किसी भी चीज को कोट कर सकते हैं, लेकिन हमने देखा कि बिजली की खपत औसतन किसी भी राज्य में 10% हर वर्ष बढ़ रही है, यह एक वास्तविकता है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि जुलाई 2020 में जब 5 कंपनियां बनाई गई राजस्थान के अंदर, उसके बाद में प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हमने राजस्थान के अंदर नहीं देखा। जो कैपेसिटी थी उसमें महज 400-500 मेगावाट का, जो सरकारी डेटा उपलब्ध है उसके हिसाब से 400-500 मेगावाट का प्रोडक्शन हमने अतिरिक्त किया है। लेकिन क्या वाकई हर वर्ष बढ़ने वाली खपत को ध्यान में रखकर सरकार कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रही है? ऐसा हमने पिछले 4 साल 19 जुलाई 2020 को जब ये 5 कंपनियां बनाई गई थी उसके बाद में नहीं देखा। मैं राजनीतिक से परे इस चीज पर कहना चाहता हूं कि आप जब तक प्रोडक्शन के लिए कुछ ठोस नीति नहीं बनाएंगे। मुझे तो समझाएं जरा, आज की जो बैठक हुई मुख्यमंत्री की तरफ से, ये लंबी बैठक चली, डांट फटकार लगाई और एक एक चीजों को बिल्कुल बारीकी से देखा गया, इसका फायदा आगे आने वाले दिनों में बिजली और पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों को किस तरह से उनकी दिक्कतें दूर होंगी? क्योंकि आपने पानी को लेकर तो कह दिया कि अगले साल ये दिक्कत, बिजली की और पानी की दिक्कत दूर होगी, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा स्थिति चल रही है उसको लेकर क्या समाधान? नहीं, मौजूदा स्थिति भी बिल्कुल कंट्रोल में है और जिस प्रकार से एक जमीन से जुड़े हुआ मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी दौरे कर रहे हैं, और मैं ये आपको एक बहुत स्पष्ट बताना चाहूँगा, ये दौरे कहीं भी दिखावे नहीं है, ये धरातल के दौरे हैं। आप ये देखिए दौरों के अंदर कहीं भी लवाजमा नहीं है, कहीं भी अधिकारियों की फौज नहीं है, कहीं भी नेताओं की टीम नहीं है, पूरा हमारा प्रशासनिक अमला हो चाहे राजनीतिक अमला हो, वो सब इस वक्त या तो गाँवों में बैठा है या छोटे से छोटे जिले के अंदर, तहसील के अंदर अपने दौरे कर रहा है। और दौरे के माध्यम से, ऐसा नहीं है, आपने एक शब्द यूज किया कि आप हड़काया, मैं समझता हूँ कि हड़काना नहीं था, नहीं ना कहीं हड़काया, मैं कभी करता नहीं उस तरह की, मैं उसको ठीक कर लेता हूँ, परंतु आज हमारा पूरा जो सिस्टम है वो जिन कर्मचारियों जिन अधिकारियों के दम पे चलना है उसको एक एक को छोटे छोटे व्यक्ति को जाके आज हमारे मुख्यमंत्री प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आज जिस प्रकार से कोरोना के टाइम पे नर्सिंग स्टाफ ने कोरोना वारियर के जैसे काम किया था, आज जब हमारे राजस्थान के अंदर तकलीफ है तो ये बिजली और पानी का विभाग ऐसा है और इसके स्टाफ ऐसे है। चतुर्वेदी जी, अगर 3 बार के टेन्योर में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री रहे, 2 बार मुख्यमंत्री यहाँ वसुंधरा राजे रही और अभी 3 महीने ही हुए हैं उसके बाद आचार संहिता लग गई, वक्त तो देना चाहिए। बैठक कर रहे हैं लगातार, वो दौरे कर रहे हैं और लवाजमे के साथ नहीं जा रहे, खुद जमीन पर उतर रहे हैं, किसी तरह की कोई मार्केटिंग उनकी तरफ से नहीं की जा रही, बिल्कुल जमीन पर उतर कर रहे हैं, फिर भी क्या दिक्कत आपत्ति? थोड़ा प्रयास कर लीजिए, समय दीजिए। देखिए रविंद्र जी, समय तो पूरा 5 साल है भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन जब जनता तकलीफ में है, जिसके कंठ प्यासे हैं, जिसके पास पानी नहीं है और जो लू से तड़प रहे हैं लोग, इस गर्मी में बिजली न होने के कारण घोषित की बजाय अघोषित 3-3 घंटे की अगर बिजली कटौती हो रही है ना, तो जनता की तकलीफ उठाना हमारा फर्ज है। सर अब मैं इस पर बहस कर ही नहीं सकता, तो मेरे घर की भी जाती है, मेरे परिवार के लोगों की भी जाती है, 10-10 घंटे भी गई है, अब मैं तो क्या बोलूं। हाँ, 3 दिन से मुझे लगा कि मुख्यमंत्री राजस्थान में है, जब वो एक पंप हाउस का निरीक्षण करने गए, लेकिन उन्होंने कभी कोई मंत्रियों को एक प्रभार देते जिले का भेजते, दुख तकलीफ दर्द के लिए अभावग्रस्त जिले घोषित करते, आपदा प्रबंधन के जो है वो मशीनरी को उसमें झोंक करके लोगों तक पानी पहुंचाते, तो समझ में आता अरे ये जो काम जनवरी में करने चाहिए थे, फरवरी में करने चाहिए थे, अब आज 2 दिन पहले आप शुरू कर रहे हो,
आप आते हो अचानक चुनाव प्रचार करके, आप मार्केटिंग कर रहे हो, भाजपा की खुद की कहां से करोगे? अभी आप तो चुनाव प्रचार में निकले हुए थे, लेकिन जनता से कटी हुई है भाजपा की सरकार आज ना का जब नाकाम हो गई, काम नहीं कर पा रही। सीपी जोशी ने तो कहा ना, गोविंद सिंह डोटासरा के आरोप पर सीपी जोशी ने कहा कि खुद मुख्यमंत्री जब हुआ करते थे अशोक गहलोत, खुले में टीचरों के बीच कहते थे बताइए ट्रांसफर के लिए पैसे दिए, हाँ दिए, किसने दिए, सबने दिए, हाथ उठाए। और उस वक्त कौन शिक्षा मंत्री हुआ करते थे? वही गोविंद सिंह डोटासरा, जिनको लेकर आप आस लगा रहे हैं कि आगे चलकर उनके नेतृत्व में आपकी सरकार आएगी। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे पूरे प्रदेश में। देखिए रविंद्र जी, मैं आपको इस पर वैसे अनेक दफा बहस हो चुकी, एक सम्मेलन में जब यह कहा गया गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कि हाँ एक नीति बननी चाहिए, उसी के तहत ट्रांसफर होने चाहिए वरना भ्रष्टाचार होता है, ये गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने यह पूछा था कि क्या ऐसा होना चाहिए, क्या ट्रांसफर के लिए भ्रष्टाचार होता है, क्योंकि गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा था, तब शिक्षक वर्ग ने ये कहा था। और इसको मिसकोट कर रहे हैं, अगर कोई पुराना वीडियो हो तो आप चला के देखिएगा, मैं फिर आपको कहता हूं। लेकिन आज जब विपक्ष में होने के नाते और जब हम जनता की आवाज उठाते हैं तो उस आवाज पर जवाब देने के बजाय कार्रवाई करने की बजाय, पंकज मीणा, आपके सरकार के मंत्री नेताओं की तरफ से कहा गया विधानसभा ये लोकसभा चुनावों के बाद पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जेल जाएंगे, पंकज मीणा ये चुनावों के लिए बयान था या कुछ होगा? और आपको कैसे पता कि बिल्कुल बिल्कुल 2018 से लेके 23 के अंदर जो कांग्रेस की सरकार थी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, और मैं कहूंगा अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में नहीं, भ्रष्टाचार के सिरमौर के नेतृत्व में जो सरकार थी, जिसके सरकार के अंदर 20-20 पेपर लीक हुए, आज हमारे पर जनता ने जिम्मेदारी डाली है कि उन 20 पेपर लीक के माफियाओं को पकड़े। अभी आपके डिबेट शुरू होने से पहले आप ही के चैनल पर चल रहा था कि 2021 के अंदर सब इंस्पेक्टर परीक्षा के जो मुलजिमात है उनको आज बड़ी मछली जिनके ऊपर इल्जाम आप पहले लगाया करते थे जब विपक्ष में बैठे थे, उन बड़ी मछलियों को कब आप निशाने पर लेंगे, कब आपकी सरकार आपकी कानून व्यवस्था उनको सलाखों के पीछे डालेगी? इंतजार इस बात का, और इंतजार इस बात का भी है कि नतीजे आने के बाद क्या राजस्थान की जनता किस रूप में सरकार को काम करते हुए और विपक्ष को आगे बढ़ते जनता के मुद्दों को उठाते हुए देखती है। फिलहाल प्राइम डिबेट में सभी मेहमानों का शुक्रिया, अभी इतना ही, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आगे देखिए राजस्थान एक्सप्रेस।